यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं इसको अपने, फिर जिसको देखना देखते रहना। मैंने बोला टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड की बात है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वाइल लिया, क्वाइल, क्वाइल का एरिया ए है, क्वाइल में चलने वाली करंट आई है, आई है। मैंने क्वाइल के ऊपर दो दो कंडीशन ले ली, एक परपेंडिकुलर ले लिया और एक प्लेन के अलोंग मैंने लाइन ले ली, प्लेन। एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वाली लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस वाली किसी वाली भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कॉइल के प्लेन में है, प्लेन से है, प्लेन से है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला लगेगा, टॉर्क इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा लगेगा, बी आई ए साइन थीटा लगेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर से ले रहे हो, परपेंडिकुलर से ले रहे हो, तो बी आई ए कॉस थीटा लगेगा। जिसे मान लो अगर थीटा इक्वल टू तुमने यहाँ लिया 30 डिग्री, तो बताओ यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर तुमसे कोई कहे टॉर्क बताओ इस वाले कंडीशन के लिए, प्लेन वाले के लिए, फ्रॉम प्लेन, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? और कोई तुमसे कहे फ्रॉम परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? टॉर्क इक्वल टू बी आई ए साइन क्या, टॉर्क इक्वल टू बी आई ए कॉस क्या, बताओ। यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लगाऊं, 30 डिग्री, यहाँ क्या लगा दूं, 60 डिग्री, बात खत्म। तो अगर तुम्हें पता है एंगल, पता है एंगल, बस ध्यान देना है कहाँ से, अगर एंगल पता चल गया तो टॉर्क निकल जाएगा। चलो छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मेरे पास एक क्वाइल है, क्वाइल है, क्वाइल का परपेंडिकुलर है एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 5×10⁻⁴ टेस्ला है। कह रहे हैं ये एंगल बना रही है फ्रॉम परपेंडिकुलर, कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। तो तुमसे कहते हैं अगर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, ये जो क्वाइल है इसका एरिया 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर टॉर्क बताइए, क्या बताइए, टॉर्क, ये परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और कितने एंगल पर जा रही है, 45 डिग्री पर। कहाँ से 45, परपेंडिकुलर से 45, यहाँ से जा रही है। इसके अंदर एक करंट चल रही है, करंट कितनी चल रही है, 5 एम्पियर, करंट कितनी चल रही है, 5 एम्पियर। इसका एरिया तुमको पता है, तो टॉर्क बताओ, बताओ टॉर्क का कौन सा फॉर्मूला लगा है, बी आई ए साइन थीटा या कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखो बढ़िया, तो बी आई ए कॉस थीटा बच्चे, तो टॉर्क इक्वल टू बी कितना, 5×10⁻⁴, करंट कितनी, 5 एम्पियर, एम्पियर हटाओ, एरिया कितना, 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर के जब हम मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁴ आएगा। कॉस थीटा कितना, कॉस 45 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, क्या करूँ मैं इसका बाकी का, × 10⁵ 5 इंटू बच्चे 10⁻⁴ - 8, कैंसिल नहीं होगा यार, -4 - 4 - 8, cos 45 होता है 1/√2। तो बेटा टॉर्क इक्वल टू कितना, 25/√2 × 10⁻³, न्यूटन मीटर आंसर, कहानी खत्म। समझ गए क्वेश्चन को, जल्दी बताओ बच्चे, हाँ कि ना, ओके तो करके दिखाओ, अगर समझ गए तो करके दिखाओ। वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो तो डिराइव करवा दूँ, NAAB cos थीटा और sin थीटा, वो डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारे, वो तुमको नहीं सीखना है, दैट फॉर्मूला यूज है, डेरिवेशन पहले था, 4-5 साल पहले हट गया सिलेबस से, यानी जो चीज हट गई उसको टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, वैसे भी सितंबर चल रहा है इस समय, सही है, बिल्कुल टाइम बचेगा मेरे पास, उसमें प्रूफ करा दूंगा, मुझे आता है प्रूफ उसका, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, उसको करा दूंगा, लेकिन अभी कोई फायदा ही नहीं उसको सीख के, उसका यूज सीखो। देखो बच्चे, तो मैंने बोला एक क्वाइल है, क्वाइल, क्वाइल की लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, क्वाइल की ब्रेथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ये क्वाइल का परपेंडिकुलर है, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन से एंगल बनाया 60 डिग्री, क्वाइल के प्लेन से एंगल बनाया 60 डिग्री। कहते हैं जो करंट की वैल्यू है वो है 10 एम्पियर, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है
25 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला है, जो एंगल है वो 60 डिग्री है फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम प्लेन। कॉइल की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कॉइल की ब्रेथ 30 सेंटीमीटर है, तो कहते हैं टॉर्क बताओ। जल्दी करके दिखाओ, जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, जल्दी करके दिखाओ बच्चे, जल्दी फटाफट। फॉर्मूला कौन सा लोगे, साइन लोगे कॉस लोगे, लेंस दिखा रहा है तो सर साइन ले। बढ़िया बढ़िया, आंसर लो, आंसर लो। 25 इनटू 15 इनटू 10 की पावर माइनस 6 इनटू रूट 3 अपॉन 2। 25 इनटू 15 इनटू 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 इनटू रूट 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व नहीं करोगे? नहीं सर। चलो नहीं सर। सर यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। चलो देखो क्या लगाया मैंने, BIA साइन थीटा लगा दिया है क्योंकि प्लेन से है तो साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू B कितना है यार, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5। करंट कितनी बच्चे 10। एरिया कितना, एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है यार ये, रेक्टेंगल है भाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 50 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2। सॉल्व किया 25 जा 10 हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 9 इंटू 50 और 30 कितना 1500 इंटू 5 अपॉन रूट 3। रूट 3 से इंटू रूट 3 है, रूट 3 ऊपर है। अच्छा रूट थ्री ऊपर है, बढ़िया ठीक है हो गया। फिर रूट थ्री ऊपर है तो टॉर्क इक्वल टू कितना हुआ, दो जीरो से दो जीरो और खा गया मैं इसमें से, 15 5 जो 75, 75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू रूट थ्री न्यूटन मीटर आंसर। इसको सॉल्व कर लेना आराम से घर में बैठ के। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, मान लो एक क्वाइल है, क्वाइल क्वाइल का परपेंडिकुलर है, कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर से एंगल 60 डिग्री है, कह रहे हैं इस क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स 1000 हैं, क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स 1000 हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 16 टेस्ला है, एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, जो इसका एरिया है, एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, जो करंट की वैल्यू है 50 एम्पियर है, टॉर्क बताओ, जल्दी से टॉर्क बताओ। इस बार नंबर ऑफ टर्न्स का क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे? NIAB cos theta। हाँ बिल्कुल बढ़िया, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया तो फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई कर दोगे, NIAB cos theta, NIAB cos theta, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी आंसर बताओ, आंसर बताओ बच्चे, आंसर बताओ जल्दी से, सबको सॉल्व करना है सबको, यानी कि हरामखोरी करना है बिल्कुल, सब सॉल्व करो यार जल्दी से, जिस दिन मिलोगे उस दिन पार्टी देंगे तुम लोगों को, अभी पढ़ लो तो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं दूंगा। जल्दी भाई जल्दी, जल्दी भाई जल्दी, व्हाई आर यू लगाइंग टाइम, जल्दी करो यार। NIAB cos 60, cos 60 1 by 2, 1.87 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 12, अलग अलग आ गया, दोनों का अलग आ रहा है, वो मेरा सर सेम है। अच्छा क्या है आंसर बोलो, 1875 into 10 की पावर माइनस 12, खाली वुड डिजिट, हां सर सेम है, या फिर 1.875 10 की पावर माइनस 9, 1875 10 की पावर माइनस 12, एक बार मैं भी सॉल्व करके देख लूं, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स कितना 1000 हटाओ इसे, एंड आई कितना था 50 एम्पीयर, एरिया कितना था 50 मीटर स्क्वायर, तो 50 सेंटीमीटर में थोड़ी बदलोगे, मीटर में दे रखा है, मीटर में ही लेते हैं, मीटर में दे रखा है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। एन आई ए बी, बी कितना यार, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 16, cos 60, cos 60 कितना 1/2, 2 से काट दो, 2 से काट दो 500 हो गया, क्या हुआ, एक दो तीन चार, चार जीरो से इसमें चार जीरो खा गया,
मीटर आंसर। क्या मेरे बच्चों के बारे समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताओ हां कि ना। आ गई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हेडिंग हम सीखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम सीखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे बकवास टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो यार, देखो इसमें सीखना क्या है तुमको। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस तरीके का एक डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर इस तरीके का डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को पता लगाता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। बस यही काम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और कोई काम नहीं होता। कैसे पता लगाएं? इसका डायग्राम याद रखना, इसका डायग्राम याद रखना, बस और कुछ याद नहीं रखना, डायग्राम याद रखना अच्छे से। तो मैंने बोला यहां पे, मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ पे एक क्वाइल ले ली। डायग्राम बस अच्छे से समझना यार इसको। मैंने यहाँ पे क्वाइल ले ली, क्वाइल ले ली क्वाइल, और इस क्वाइल के ऊपर तार लपेटे गए होंगे कॉपर के, बहुत सारे तार लपेटे गए हैं, वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग्स बहुत सारी वाइंडिंग्स हैं, बहुत सारी और भी हैं। इसको क्या किया हमने, दो मैग्नेट के बीच में रखा, और मैग्नेट का डिजाइन ऐसा है कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट। इस क्वाइल के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर की रॉड रख दी, सॉफ्ट आयरन कोर की रॉड रख दी। इस क्वाइल को हमने ऊपर एक धागे से बांध दिया, ये मिरर है यहां पर, यहां पर इसके साथ एक टॉर्सन हेड है, टॉर्सन हेड यहां से एक धागा गया ऐसे, ये कनेक्टर वायर है ये, और ये स्टैंड हो गया, ये स्टैंड है। यहां पर हमने एक स्क्रू ले लिया, स्क्रू का नाम T1, स्कूल से फोन आ गया था, कोई बात नहीं। ये T1 एक कांटेक्ट स्क्रू है, यहां से एक वायर निकला ऐसे करके, ऐसे ये वायर यहां गया, ये वायर यहां आया। अब समझो यहां पे क्या किया, यहां एक हेयर स्प्रिंग है, इस वायर को लाके यहां पे जोड़ दिया नीचे की तरफ, यहां यहाँ पे भी एक कॉन्टेक्ट स्क्रू है, ये कॉन्टेक्ट स्क्रू है T2, ये कॉन्टेक्ट स्क्रू है T2, और इसके साथ एक वायर लाके मैंने यहाँ पे जमीन में जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ टेबल पे ये लेवलिंग स्क्रू हो जाएगा, लेवलिंग लेवल करने के लिए ये लेवलिंग स्क्रू हो गया। आप समझो क्या चीज क्या है इसके अंदर, जो ये सबसे नीचे लगा हुआ है ये है हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग, ये है आर्मेचर क्वाइल, आर्मेचर क्वाइल, ये है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन,
ये है कॉनकेव मिरर, ये है टॉर्सन हेड। अब समझना होता क्या है, यहां पर एक सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल यहां पर ऐसा स्केल होता है, यहाँ पे एक स्केल इस तरीके से होता क्या है, यहाँ पे मिरर के ऊपर एक लाइट टकरा रही होती लेजर से, ये लेजर है लेजर गन, और लाइट टकरा के आके इस स्केल पे कहीं जा रही होती है यहाँ पे, या इस स्केल पे जा रही होती है यहाँ पे। देखो क्या होगा, आप जो ये वायर है इस वायर को कहते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर, ये मैग्नेट का कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट, कैसा मैग्नेट, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट, सिंपल। और ये बेंच, ये लेवलिंग स्क्रू L1 और L2। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता यह है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यह बताता है हमको कि अगर कोई मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट का एक हिस्सा T1 पे कनेक्ट करूं, दूसरा हिस्सा T2 पे कनेक्ट करूं, तो जो एक कॉइल है, रिपीट कर लो, अगर हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई सर्किट है, अननोन सर्किट है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर करंट है या नहीं है वाली बात, मुझे एक ऐसा अननोन सर्किट है जिसके मुझे करंट पता करना है कि करंट है या नहीं है, सर्किट सही है या गलत है, तो हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ती है। तो करते क्या है, सर्किट का एक हिस्सा T1 पे कनेक्ट करते हैं, सर्किट का दूसरा हिस्सा T2 पे कनेक्ट करते हैं। अगर उस सर्किट में करंट होगी, अगर उस सर्किट में करंट होगी तो करंट यहां से चलेगी, करंट यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां से होते हुए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से होते हुए नीचे आएगी, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर से होते हुए नीचे आएगी, और करंट इस पूरे कॉइल में घूमेगी, करंट इस पूरे कॉइल में घूमेगी, 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 खाली करंट नहीं घूम रही, ये कॉइल भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर लग रही होगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, अब देखो मैंने कैसे लगाया, नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ, ये कॉनकेव है ना बेटा, कॉनकेव सरफेस है तो पैरेलल पैरेलल तो निकलेंगी नहीं, कॉनकेव से हमेशा उसके रेडियस के अलोंग निकलेंगी, रेडियस के अलोंग, इधर से रेडियस के अलोंग, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, क्वाइल है, तो मान लो ये क्वाइल में करंट यहाँ गई नीचे, नीचे तो करंट घूम कर आई, फिर करंट गई ऊपर, ऊपर, तो क्वाइल के एक साइड में करंट जा रही है नीचे, और क्वाइल की दूसरी साइड में करंट जा रही है ऊपर, क्वाइल में एक साइड में करंट जा रही है नीचे, एक साइड में करंट जा रही है ऊपर, आ यहां से भी रही होगी, यहां से भी आ रही होगी, लेकिन यहां वाला फोर्स ऊपर लगेगा, यहां वाला फोर्स नीचे लगेगा, दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों साइड में फोर्स लगने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो है क्या, मैं दोबारा बताता हूं, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो मेरे पास एक टाइम T1, मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में मुझे करंट चेक करना है कि करंट चल रही है या नहीं चल रही है, तो सर्किट को लिया मैंने, सर्किट का एक हिस्सा T1 पे टच किया, एक हिस्सा मैंने T2 पे टच किया, टच किया तो मान लो कुछ भी नहीं हुआ, ये क्वाइल नहीं हिली, ये मान लो रीडिंग, ये लेजर से लाइट आ रही थी, ये रीडिंग मान लो आ रही है 10 पे, 10 वाली रीडिंग भी नहीं हिली, बहुत देर तक मैं उसको टच करके यहाँ बैठा रह गया, मैं यहाँ पर बहुत देर तक मैं उस सर्किट पर टच करके बैठा रह गया, लेकिन यहाँ की रीडिंग चेंज नहीं हुई, ऐसी की ऐसी रह गई, इसका मतलब उस सर्किट में कोई करंट नहीं है, हमने उस सर्किट को फेंक दिया। दूसरा सर्किट चेक करने के लिए यहाँ पे T1 T2 पे लगाया, T1 T2 पे लगाते ही हमने देखा क्या, अचानक से ये रीडिंग 10 से 50 हो गई, 10 से इधर -50 हो गई, मतलब ये लगातार डिफ्लेक्शन देने लगी,
ये यहाँ से लाइट डिफ्लेक्शन देने लगी, मतलब क्या हुआ होगा? अगर कोई करंट यहाँ से गई इस वायर में, इस वायर में करंट गई, वो करंट इस कॉइल में चली, जब वो करंट इस कॉइल में चली तो ये करंट यहाँ से नीचे जाएगी, करंट यहाँ से घूम के ऊपर आएगी। जो करंट नीचे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इधर, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इधर, करंट आ रही है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इधर, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है सामने, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है सामने, करंट जा रही है नीचे, तो फोर्स किधर? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है सामने, करंट नीचे, तो फोर्स ऊपर। इसका मतलब कॉइल के इस वाले एंड पर फोर्स लगेगा ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर। और हम जानते हैं अगर करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, हम जानते हैं अगर करंट की डायरेक्शन बदल जाती है तो फोर्स लगता है नीचे नीचे नीचे। इसका मतलब इस कॉइल के ऊपर एक तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर, एक तरफ फोर्स लग रहा है नीचे। इसका मतलब ये कॉइल ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमना चाहेगी, ऐसे घूमना चाहेगी, ऐसे घूमना चाहेगी। अगर ये कॉइल ऐसे घूमना चाहेगी तो घूमेगी भी। कॉइल ऐसे करके ऐसे घूमना चाहेगी, कॉइल ऐसे घूमना चाहेगी, जाहिर सी बात है अगर ये पूरा घूम नहीं पाएगी, पूरा नहीं घूम पाएगी। क्यों नहीं घूम पाएगी? नीचे स्प्रिंग जुड़ी हुई है। कॉइल हल्का सा घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो ये मिरर घूमेगा, मिरर घूमेगा और लेजर से उसके ऊपर लाइट टकरा रही है। जब लाइट टकरा रही है तो लाइट टकरा के कहाँ जा रही है? इस वक्त स्केल के ऊपर। कॉइल घूमी, मिरर घूमा, मिरर घूमा तो लाइट में डिफ्लेक्शन आया। और स्केल में डिफ्लेक्शन आने को ये कहते हैं कि वो सर्किट में करंट थी जो हमने सर्किट T1 T2 पे जोड़ा था। बच्चे इतना समझ में आया तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर बताऊंगा दोबारा। कितना बताओ पहले? हाँ, साउथ वाली साइड पे वो लगाना लेफ्ट हैंड रूल। हाँ बिल्कुल, देखो इस वाली पे लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सामने, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड सामने, करंट ऊपर, तो थंब नीचे, थंब नीचे। इसका मतलब फोर्स डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, यहाँ पे फोर्स अपवर्ड, फोर्स अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड। नहीं बात समझ में आई? इसका मतलब कॉइल ऐसे घूमेगी, कॉइल ऐसे घूमेगी, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, इधर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इधर फोर्स लग रहा है अपवर्ड। अब सोचो, तो इतना तो पता चल गया कि उस कॉइल में यहां लेजर बीम का क्या काम था? लेजर बीम का केवल काम यह है कि लाइट यहाँ टकरा रही है और टकरा के स्केल पे एक रीडिंग दे रही है। रीडिंग अगर मान लो ये लाइट यहाँ टकरा के रीडिंग दे रही है और ये कॉइल घूमेगी तो ये मिरर भी घूमेगा, मिरर भी हिलेगा, मिरर हिलेगा तो लाइट भी हिलेगी, लाइट भी अपने रास्ते से भटकेगी, लाइट भटकेगी, इसका मतलब वो अलग अलग रीडिंग देगी, अलग अलग रीडिंग देगी। उससे मतलब नहीं कि कितनी रीडिंग देगी, मतलब इससे कि रीडिंग चेंज होगी। रीडिंग चेंज होने का ही मतलब है कि उस सर्किट में करंट थी जो हमने यहाँ जोड़ा था, इसलिए खाली लेजर लाइट लगाया हमने। नहीं बात समझ में आई? आई सर। बढ़िया, तो सुनो अब देखो क्या हुआ होगा। आधी चीजें सीख ली हमने। सबसे पहला T1 T2 कॉन्टेक्ट स्क्रू है, रीज्वाइन करना है टाइम खत्म होने पर। T1 T2 कॉन्टेक्ट 12:10 होने वाले, तो रीज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। 11:30 पे शुरू किया है, 11:30 पे, ठीक सर। देखो तो T1 T2 कॉन्टेक्ट स्क्रू है, यहाँ पे सर्किट जोड़ा, सर्किट जोड़ा तो एक करंट चली, ध्यान सुनना, सर्किट जोड़ा तो करंट चली, करंट गई नीचे, करंट गई इस कॉइल में, जब करंट गई इस कॉइल में तो कॉइल में नीचे जा रही है करंट, यहाँ आ रही है ऊपर, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो फोर्स आया ऊपर, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगाया फोर्स आया नीचे। इसका मतलब ये ऐसे और ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, कॉइल घूमी, कॉइल घूमी, सुन रहे हो मेरी बातों को? कॉइल घूमी, कॉइल घूमी तो ये मिरर जो था ना कॉनकेव मिरर, ये भी घूमा, ये घूमा तो उसके ऊपर लाइट टकरा रही थी, लाइट टकरा रही थी, लाइट में भी डिफ्लेक्शन आया। और अगर डिफ्लेक्शन आया का मतलब ये हुआ कि भैया उस सर्किट में करंट थी, मतलब इसमें करंट चली है, तो डिटेक्ट हो गई करंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ने अपना काम कर दिया, करंट को डिटेक्ट कर लिया, चेक कर लिया थी करंट। अब आगे बढ़ते हैं। तुमसे कोई पूछे इस हेयर स्प्रिंग का क्या काम है, तुमसे कोई पूछे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर क्यों लिया, तुमसे कोई पूछे इस कॉनकेव मिरर का क्या काम है, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट का क्या काम है, मैग्नेट बिल्कुल फ्लैट फ्लैट क्यों नहीं लिया,
कॉनकेव वाला क्यों लिया? तो पहला क्वेश्चन, इस स्प्रिंग का क्या काम है? स्प्रिंग का काम ये है कि अगर कॉइल घूम रही है तो कॉइल को अपनी जगह वापस लिखवा ही दो ना सर, लिखवा दो, लिखो जल्दी फिर लिखो, वर्किंग ऑफ स्प्रिंग, यूज ऑफ स्प्रिंग लिखो जल्दी से, यूज ऑफ स्प्रिंग जल्दी लिखो, यूज ऑफ स्प्रिंग। और स्प्रिंग का काम क्या है? स्प्रिंग का काम क्या है? इसको, ये कॉइल जब घूम के इधर जा रही होगी तो कॉइल को अपनी जगह वापस लाना, ध्यान देना सेंटेंस को, कॉइल घूम रही होगी करंट की वजह से तो कॉइल को वापस लाना, कॉइल घूम रही होगी करंट की वजह से तो कॉइल को वापस लाना। फिर सेंटेंस बोल रहा हूँ बच्चे, हाँ की ना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ, फिर आगे बताओ मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रही थी, मैं लिखवाऊंगा लेकिन पहले समझ लो, इस कॉइल के ऊपर जो अपने आप घूमेगी कॉइल, करंट की वजह से घूमेगी कॉइल, करंट की वजह से घूमेगी कॉइल, उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या कहते हैं? बोलो जरा, बोलो सब बोलो, क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन अगर ये स्प्रिंग उसको वापस ला रही है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने के बाद उसको वापस ला रही है, तो उसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, मतलब उसको दोबारा वापस लाना, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग लगा क्लॉकवाइज, रीस्टोरिंग लगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा रीस्टोरिंग के बराबर होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा रीस्टोरिंग के बराबर होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा रीस्टोरिंग के बराबर होता है। तो यूज ऑफ स्प्रिंग क्या है? यूज ऑफ स्प्रिंग है अप्लाई रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल। यूज ऑफ स्प्रिंग क्या है? लिखो, अप्लाइड, अप्लाई रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल। एक लाइन लिखो जल्दी से, यूज ऑफ हेयर स्प्रिंग का काम क्या है? अप्लाइड रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल। अप्लाइड रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर। देखो नेक्स्ट, देखो लिखो, यूज ऑफ कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट। इस कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट का क्या काम है? अब सुनना ध्यान से, पहले समझ लो फिर लिखना। मान लो बेटा एक मैग्नेट ऐसा होता, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट ऐसा, नॉर्थ साउथ ऐसा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती, ऐसे निकलती, ऐसे निकलती, ऐसे निकलती, बिल्कुल सीधे सीधे सीधे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती स्ट्रेंथ, वो कम होती, स्ट्रेंथ कम होती। कॉनकेव शेप ले लिया, कॉनकेव शेप की खासियत क्या होती है? कन्वर्जिंग, 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 ऐसे करके, ऐसे कन्वर्जिंग। इसका मतलब यहां पर देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। टॉर्क के फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड आता है, मतलब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा, टॉर्क उतना ज्यादा, टॉर्क जितना ज्यादा उतना अच्छा रोटेशन, उतना अच्छा डिफ्लेक्शन, जितना अच्छा डिफ्लेक्शन उतना अच्छा डिटेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, टॉर्क बहुत ही कम लगेगा, टॉर्क बहुत कम लगेगा तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, करंट घूमेगी चलती नहीं दिखाई देगी जल्दी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगी उतनी ज्यादा टॉर्क लगेगी, जितनी ज्यादा टॉर्क लगेगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी अच्छी सेंसिटिविटी होगी, उतना अच्छा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा, उतनी जल्दी वो करंट को डिटेक्ट कर पाएगा। इसलिए हमने कॉनकेव स्टेट मैग्नेट लिया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके कॉइल के ऊपर, कॉइल के ऊपर। लिखो इसका यूज, लिखो कॉनकेव स्टेट मैग्नेट का यूज लिखो। बाय यूजिंग कॉनकेव स्टेट मैग्नेट, लिखना जरूर, बाय यूजिंग कॉनकेव स्टेट मैग्नेट, by using concave shaped magnet we can produce high strength magnetic field on the coil, we can produce high strength magnetic field on the coil we can produce high strength magnetic field on the coil. Due to this,
due to this deflecting torque will be maximum. Due to this deflecting torque will be maximum. Deflecting torque will be maximum and the sensitivity of the galvanometer will increase and the sensitivity of the galvanometer will increase and the sensitivity of the galvanometer will increase. Sensitivity of galvanometer will increase. लिख लिया? लिख लिया बच्चे? लिख लिया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर. कोई तुमसे पूछे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर का क्या काम है यार, कॉपर का तार ले लेते, एल्यूमिनियम ले लेते, कुछ और ले लेते, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर क्यों लिया? समझो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर एक तो बहुत हल्का होता है, लाइट वेट, बहुत मजबूत होता है और बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. बहुत लाइट वेट होता है, बहुत मजबूत भी होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है. तो सारी प्रॉपर्टी की वजह से हमने फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर लिया. अगर बहुत भारी वायर लगा दोगे यहाँ पे, बहुत भारी, तो ये कॉयल घूम ही नहीं पाएगी. इतना भारी का तार लगा के बैठ जाओगे तो छोटी सी घंट के लिए, इसलिए हल्का तो तार लगाते हैं कि कॉयल तुरंत घूम भी जाए, क्योंकि कॉयल घूम भी जाए. देखो प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर, प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर, देखो इट इज लाइट वेटेड, लाइट वेट कॉमा गुड कंडक्टर एंड वेरी रिजिड.